بسم الله الرحمن الرحيم باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فقالوا لي الابنك الرجم ففديت ابني منه بمئات من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما الابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئات والتقريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فقد الامرأة هذا فرجمها فقضى عليها أنيس فرجمها الله हाकिम के लिए क्या ये जायज़ है कि वो जायज़ा भी आ जाता है कि कामों में जो है वो गौर व फिक्र सिर्फ एक आदमी करे। अब हदीस का तर्जुमा ये है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन दोनों ने ये बयान किया है कि एक बदू आया। मैं इसलिए बदू तर्जमा करता हूँ कि अगर हम वैसे जांगली करें तो तर्जमा तो वो भी सही है, लेकिन जो अरबों के अंदर जो है वो ज़्यादा सहरा होते हैं अरब मुल्कों में, और सहरा के अंदर जो लोग होते हैं ना उनको अरबी कहा जाता है बदू। तो एक बदू आया तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला यूं पेश किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में अल्लाह की शरीयत से फ़ैसला करें। यहाँ किताबुल्लाह से मुराद शरीयत है। तो उसका जो मुखालिफ फरीक है, यानी दूसरा फरीक है, उसने कहा कि जी ये सच कहता है, हमारे दरमियान जो है वो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। तो अब उसी बदू ने जो है वो अपना वाक़या यूँ बयान किया फ़ैसले के लिए कि मेरा बेटा जो है वो इसके यहाँ मुलाजिम था, मेहनत के काम करने के लिए लोगों को जो है वो मुलाजिम रख लिया जाता है। आप देखें ना जागीरदार होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने साथ कितने लोग रखे होते हैं ज़मीनों पर काम करने के लिए। इसी तरह जो है वो फसलें वही बोते हैं और बाकी काम भी सारे वही करते हैं। तो इसी तरह जो है वो एक सहराई आदमी जो है उसके बेटे को इसी काम के लिए रखा हुआ था।
अब ये है कि वो उसकी बीवी से जो है वो बदकारी कर बैठा। अब उसने लोगों से पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। ज़ाहिर है वो शरीयत के माहिर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि तेरे बेटे को तो संसार किया जाएगा। तो अब उसने सोचा कि मेरा बेटा जो है वो अगर संसार कर दिया जाए तो इससे तो बेहतर है मैं कोई कुछ और, मेरी अगर कोई मुतबादल सूरत निकल आए। तो मुतबादल सूरत जो है वो ये निकाली के उसने एक तो एक लौंडी जो है वो दी, और साथ ही जो है 100 बकरियां भी दी बेटे की तरफ से। यानी ये सारे काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने से पहले जो है वो हो गए, क्योंकि आपको पता है ना कि मौत से तो बारसूरत ये माल जो है, अगर मौत ही आ जाती है तो इस माल का क्या फ़ायदा। ख़ास तौर पर जो है ना बाप की सोच वो बेटों के बारे में यही होती है कि बेटे जो हैं वो अगर बच जाएं तो उनको पता होता है कि बड़ी उम्र के अतबार से उमूमन यही सूरत हाल है कि बाप पहले जाता है और उसके बाद औलाद जो है वो उसकी वारिस होती है। लेकिन औलाद उस वक्त वारिस होती है जबकि वो किसी चीज़ पर जो है वो बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तसल्लुत ना जमाए। इसलिए एक मशहूर कायदा है कि मनिस्ता जाले शैयन कबला अवानी ही ऊ के बा बेहरबानी ही। अगर एक आदमी जो है वो किसी चीज़ के बारे में जल्दी करे, देखिए तरीक़ेकार तो ये है कि जब बुज़ुर्ग फौत होते हैं तो उनका जो माल है उसकी औलाद वारिस होती है। अगर ये उसूल जो है ये विरासत में है, और जो चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की मलकियत होती हैं जिनको वक़्फ़ कहते हैं, तो उन चीज़ों के अंदर जो है वो ये बात नहीं होती कि जो चाहे कब्ज़ा कर ले, बल्कि उसके अंदर ये बात होती है कि वक़्फ़ के जो शुरूत और क़ुयूद होती हैं उनके मुताबिक काम होता है। मिसाल के तौर पर वक़्फ़ में जो है वो एक मुतवल्ली मुकर्रर किया जाता है, और वो मुतवल्ली जो होता है वो ये काम करता है कि वक़्फ़ की शुरूत के मुताबिक मामला करता है। और आम तौर पर अगर मुतवल्ली मोहताज हो तो उसको जो है वो इस बात की इजाज़त होती है कि वो वक़्फ़ के अंदर जो है वो अपनी रिहाइश अख्तियार कर ले, लेकिन उसके लिए शर्त है कि मोहताज हो। क्योंकि ये सारे काम जो हैं ये खिदमत के काम हैं, और खिदमत के कामों के लिए उसूल है वमन काना गनीयन फलयस्ताफिफ़ वमन काना फ़कीरन फलियाकुल बिलमारूफ़। कि जो गनी हो वो बचे, उसके लिए तो हुक्म ही है कि वो उससे बचे, और जो मोहताज हो वो जो है वो ज़माने के रवाज के मुताबिक जो है वो ले सकता है। तो इसलिए अगर कोई आदमी उसको वसीयत कर दी जाए, वक्फ़ के बारे में वैसे वसीयत हो सकती है, तो अगर वसीयत कर दी जाए और वो आदमी जो है वो वसीयत होती है किसी की मौत के बाद उस पर अमल दरामद होता है, और अगर वो ज़िंदगी में ही जो है वो ऐसी हरकत करे कि उस आदमी को जो है वो उसके लिए रुकावट बन जाए, तो फिर उसके लिए जो है वो फिकी कायदा क्या है, वो ये है कि मनिस्ताज अला शैयन, जिसने किसी चीज़ के बारे में जल्दी की कबला अवान ही, यानी उसका वक़्त आने से पहले। मैं वैसे आपको एक लफ्ज़, वैसे तो इमाम बुखारी का ये तरीका है, लेकिन चलिए
ये अवाने ही जो है ये इसका माने तो वक्त के होते हैं, लेकिन कुरान मजीद के अंदर ये लफ्ज़ आया है जी। ये सूरतें जो जुमा के दिन पढ़ी जाती हैं जी। हाँ जी अब्दुर्रहमान अजीज साहब ज़रा पढ़िए। नहीं हलता का हदीसुल गाशिया नहीं जो नहीं नहीं पढ़ी जाती हैं आमतौर पर नमाजों में। यहाँ क्या मुराद आनिया से, ये किससे है? नहीं अवान तो बस्तर है। अच्छा। आनिया जो है ये इसमें फाइल है। तुस्का मिन आइन आनिया, ऐसे चश्मों से जो जी जो उबर रहे हों। उबर रहे हैं। असल में कोई चीज जब आग पर कुछ देर रखी जाए तो फिर वो उबलने लगती है, तो आनिया जो है मतलब यह कि ये इस पर एक वक्त गुजरा है आग आग की सूरत में। अच्छा। क्योंकि जहन्नम की आग है ना, तो जहन्नम की आग को अगर जो है वो और गर्म किया जाए तो वो उबलने लगती है। तो यहाँ आनिया से मुराद ये अवान से है, इसका मस्तर अवानी, वही जो मैंने अभी आपको कदा फिक्या बताया ना। तो ये आमतौर पर जो हमारी उसूल फिक्र की किताबें हैं उनके अंदर इसको अनवान बांध कर इसके नीचे बड़ी मिसालें देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मामलात जो हैं ये शरीयत ने इसलिए रखे हैं ताकि नज्म व नस्क कायम रहे। अगर एक आदमी जो है वो जो खुद जिस जो बड़ा होने की वजह से किसी वक्फ का जिम्मेदार था और उस मुतवली की बजाय कोई और मुतवली बन बैठे तो उसकी सजा क्या होगी? हाँ जी मुफ्ती साहब क्या सजा है उसकी? वो तो गासिब है। हाँ जी वो तो गासिब है। ये नहीं नहीं गासिब तो है, लेकिन मैं जरा इसका तर्जमा चाहता हूँ। ओ के बाब हिर मान ही अगर वो बाकायदा उसको वसीयत की गई हो, वसीयत में उसे मुकर्रर किया गया हो, फिर भी उसे महरूम हो जाएगा, यानी वसीयत उसके लिए कारगर नहीं रहेगी क्योंकि उसने वक़्त से पहले काम करने की कोशिश की है ना। उसूल ये है कि अगर वक़्त से पहले कोई काम हो जाए, अब देखिए ना बेटा वारिस होता है, लेकिन अगर बाप के कत्ल में वह शरीक हो जाए क्या नतीजा है? वारिस नहीं होगा। तो ये शरीयत का बहुत अहम उसूल है बड़े बड़े मामलात में, लेकिन छोटे छोटे मामलात में भी असल में जिसको जो बहाने बनाने होते हैं वो 100 बहाने होते हैं। तो असल बात जो है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर एक आदमी जो है होता क्या है, एक आदमी अगर उस पर काबिज हो जाएगा तो जो दूसरे हैं नहीं नहीं जो महरूम हो गए वो उससे लड़ेंगे, इसलिए कि ये तो वक़्त से पहले कब्जा कर बैठा है। तो जो दूसरे जो हैं वो लोग जो हैं किसी मतलब वक़्फ़ करने वाले के जो वो रसाई कहिए या उसके पिछले कहिए जानशीन कहिए, तो वो जो है वो लड़ाई करेंगे और लड़ाई के नतीजे में होगा क्या कि वो महरूम हो जाएगा। इसलिए शरीयत ने जो है वो ये कहा है कि आप देखिए कि यहाँ क्या होता है, ये जो होते हैं ना बादशाह मुकर्रर, मैं ख़ास तौर पर उन मुल्कों की बात करता हूँ अरब मुल्कों की जहाँ बड़ी दौलत है, बादशाह मुकर्रर होता है और 50-50 साल जो है वो बादशाह ही मुकर्रर रहता है। वलीयत जो है उसको वैसे साथ उसने शरीक किया होता है, लेकिन वो उसको बादशाह नहीं मिलती, हत्ता कि 50 साल बाद इससे भी ज़्यादा मुद्दत के बाद बाज़ दफ़ा यानी वो भी इतना बूढ़ा हो जाता है कि वो कहने को तो वो भी इस काबिल नहीं रहता। अब आप ये देखिए कि अमीर कुवैत जो है वो हाल ही में फौत हुआ है और उसकी उम्र जो थी मेरे ख्याल में शायद 92-93 साल थी, और वो खुद पहले जो था वो वलीयत था, और वलीयत की सूरत में वो बतायत होकर काम करता रहा है, लेकिन यह कि खुद बाइख्तियार नहीं था।
वलिया तो मतहत होता है ना, हाकिम के तो मतहत होता है, तो वो जो है वो मतहत काम करता रहा है, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की कि किसी तरह ये वलिया जो है। अब वलियत की सूरत हाल ये है कि वो भी बड़ा मुतमइन था कि वो अमेरिका में जाके इलाज करवाता था, और आपकी शायद खबर ये है कि अमेरिका में फौत हुआ है अमीर कुवैत। तो कहने का मकसद ये है कि वलियत जो कबल अज वक्त कोशिश करे उसकी सज़ा क्या होगी, वलियत ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि ये आदमी, इसके भी मेरे ख्याल में काफ़ी साल आ साल, मेरे ख्याल में शायद कोई 15-16 साल बाद ये वलियत जो है, जो अब नवाफ है, तो नवाफ जो है ये 15-16 साल बाद जो है वो बादशाह बना है अपना, हाकिम अमीर कोइत। लेकिन जो ख़ुद अमीर कोइत था वो पहले वलियत था, वो तकरीबन 50 साल जो है वो वलियत रहा है, और उसका जो बड़ा था उसका नाम जाबिर था, इसका नाम सब्बा था। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि ज़रा सी अगर ऐसी बात हो जाए तो कानून ये है कि वो महरूम। तो इसलिए दुनिया के अंदर अमन अमान रहता है, इसलिए कि जिस आदमी ने मेहनत की होती है उसको कोई रुकावट नहीं बन सकता, बादशाह को कोई रुकावट नहीं बन सकता। आपको मैं एक वाक्या बता देता हूँ, इसलिए कि इस वाक्या के भी बड़े नताइज गलत निकले हैं। वाक्या ये था कि इस वक्त जो सऊदी अरब का बादशाह है सलमान, ये सुदैरी कबीला जो है, जो मलक अब्दुल अजीज़ का मुआविन था, और मलक अब्दुल अजीज़ को हिजाज पर जो कब्ज़ा करवाया है वो इस कबीले ने करवाया है, सुदैरी। ये इस कबीले के अंदर मलक अब्दुल अजीज़ की शादी थी, गोया के उसकी बीवी सुदैरी थी, उसके 7 बेटे हैं सुदैरी की। इस वक्त जो मौजूद है वो तो सिर्फ एक ही है, नहीं एक नहीं है, 2 हैं, एक सलमान है और एक अहमद बिन अब्दुल अजीज़ है जो नायब वज़ीर दाखला रहा है, और ये मेरे ख्याल में तकरीबन ज़रूर 40 साल नायब वज़ीर दाखला रहा होगा। इसलिए कि शेख इब्न बाज़ जब भी कोई किसी को कहता था ना फलां को जो है वो वीज़ा भेजो, तो हमेशा अहमद बिन अब्दुल अजीज़ को लिखते थे। हमारे वफद कई दफ़ा गए हैं और अहमद बिन अब्दुल अजीज़ को शेख इब्न बाज़ ने लिखा, तो उन्होंने जो है वो हमें बुलाया। बल्कि हमारा एक वफद जो है जिसमें मेरे साथ जो थे वो प्रोफेसर ग़ुलाम अहमद हरीरी भी थे, उबैदुर्रहमान मदनी भी थे, और अज़ीज़ बदी साहब भी मेरे साथ थे, हम 4 आदमी थे। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई नज़म चल नहीं सकता अगर ये सूरत हाल ना हो। तो इसलिए उसकी सज़ा ये है कि जो जल्दबाजी करे वो जो है फिर उसको महरूम कर दिया जाए। मैंने वो तो मसला ऐसे, तो इन्होंने यानी उस सहराई ने, बदू ने अपने बेटे को बचाने के लिए 100 बकरियां और 1 लौंडी ये फिदिया कर दी। उसके बाद फिर उसने जो है वो इलम वालों से पूछा, पहले तो आम लोगों से पूछा ना, तो जो इलम वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, इन्नमा अलब ने कहा जल्द व आमिन व तकरीब व आमिन, तेरे बेटे पर जो आयद होता है तावान वो जल्द व मियातिन यानी 100 कोड़े और व तकरीब व आमिन और 1 साल की जलावतनी। अच्छा, अब ये उसने बयान किया है कि अहले इल्म ने मुझे ये बताया है और पहले मुझे ये बताया गया और मैंने उस पर अमल कर लिया, जो पहली बात थी। अभी अहले इल्म की बात पर तो नहीं ना अमल हुआ, अब तो नबी अकरम सलम के पास चले गए और जाना भी चाहिए, इसलिए कि अहले इल्म जो है वो नबी की मौजूदगी में उनका फतवा नहीं चलता।
اب صورت حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، لاقضینا بینکما بکتاب اللہ. یہ چونکہ اصل میں اب فتنوں کا دور ہے تو اس لیے یہ لفظ جو کتاب اللہ یہ بہت اہم ہے. اس سے جو ہے وہ اہل سنت یہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کی جو شریعت ہے، کتاب و سنت جو ہے وہ ایک چیز ہے، اور یہ دونوں شریعت کا حصہ ہے. کتاب کا مقام جو ہے وہ اصل کا ہے، اور جو سنت ہے اس کا مقام جو ہے وہ اس کی تشریحات کا ہے، اس کی بلکہ زیادہ صحیح لفظ قرآن مجید کا اس کی وضاحت کا ہے. چونکہ بیان اور تشریح میں فرق ہے، میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ بیان کے اندر شروط و قیود کا اضافہ بھی آ سکتا ہے، تشریح کے اندر یہ چیز نہیں آتی. تشریح صرف ایک بات کو کھولا جاتا ہے، لیکن بیان کے اندر، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سورت بقرہ کے اندر موجود ہے. وہی جو گائے کے متعلق جتنا بھی وہ بیان مانگتے رہے شروط بڑھتی رہی. تو بے کتاب اللہ سے مراد جو ہے یہ اصل میں ہے ہی شریعت، اسی لیے یہ اب اصطلاح بن گئی ہے. عمل ولیدہ تو ولغنم و فرد و نالک، جہاں تک لونڈی اور 100 بکریاں ہیں وہ تو یہ واپس کر دی جائے گی، اور تیرے بیٹے پر جو ہے وہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جزا بتری. اچھا، اب یہ تو آپ نے اس کو بتا دیا، اب آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو کہا اے انیس تو جا. آگے امام بخاری نے جو ہے اس کی خود انیس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ایک آدمی تھا. فقد و المرات حاضہ فر جمعہ، تو اس کی بیوی کے پاس صبح صبح جاؤ اور اس کو تو سنسار کر دو. فقدا علیہا انیسن فر جمعہ، تو صبح صبح جو ہے وہ غدا کہتے ہیں، جو سورج ڈھلنے سے پہلے جاتا ہے اس کو غدا کہتے ہیں، سورج ڈھلنے کے بعد جو جاتے ہیں اس کو راہا کہتے ہیں، راہ. تو اب انیس صبح صبح گیا، فرج مہا اس نے جا کے اس کو عزم کر دیا. امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ نکالا ہے، اور میں یہ آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ امام بخاری جو ہے وہ مکتب الحدیث کے نمائندہ ہیں، اس لیے امام بخاری جو عنوان باندھتے ہیں اس کے لیے مکتب الحدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ درپیش ہو اجتہاد اس وقت کرو. اس لیے امام بخاری نے جتنے بھی بات باندھے ہیں نا، یہ مسئلے مفروضہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر حدیث مکتب فکر مفروضہ پر شریعت کو لاگو ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مسئلہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو واقعاتی صورت حال ہے وہ موجود ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ صورت حال ہے کہ وہ مفروضہ نہ ہو، بلکہ جب مسئلہ آپ کو درپیش ہو پھر اس کے لیے کوئی حکم جو ہے وہ دیا جائے. تو اب یہ درپیش مسئلہ ہے جو سوال ہے، اور اس حدیث نے کیا کرنا ہے کہ درپیش مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ شریع حکم جو ہے وہ واضح کرنا ہے. چونکہ یہ پورے کا پورا جو حصہ ہے کتاب الاحکام، یہ اصل میں حکمرانوں کے بارے میں ہے. یہاں مراد وہ حکم نہیں ہے جو ہماری فقہ میں لفظ حکم استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ حکام کا حکم ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد شریعت ہوتی ہے، اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ سنت بھی کتاب اللہ میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں تو واضح ہے ہی نہیں، وہ تو سنت میں ہے. ہاں لیکن جو ماشاءاللہ ہاں زیادہ بڑے جو ہیں وہ مفکر بنتے ہیں، انہوں نے تو ویسے ہی الزم اڑا دیا کہ جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو یہ ساری یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے. امین حسن اصلاحی اور غامدی وغیرہ کی میں بات کرتا ہوں نا، ساتھ ان کے عمار ناصر بھی شامل ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن ایک تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انیس نے اکیلے جا کے اس کو رجم کر دیا ہے،
अल्लाह के रसूल की तरफ से तो एक ही था। उसके बाद उसने अपने लोगों को साथ लिया और बाकायदा जो है मामले में जाके छान फटक की है, उसने इतराफ़ किया है। इतराफ़ भी शरीयत के अंदर हमेशा मुतबर नहीं होता, देखा जाता है कि इतराफ़ के पीछे क्या है। और मैं आपको जो है वो एक वाक़या सुना बैठा हूँ इब्न कय्यम के हवाले से कि वो एक लड़का पेश हुआ था और उसने जो है वो दोस्त ने उसके ऊपर दावा किया हुआ था और उसने जो है वो लड़के ने पेश होकर कहा जी कि हाँ मैंने इतनी बड़ी रकम जो है वो इस लड़के की देनी है। मेरे ख्याल में आप भूल जाते हैं जो मैं बात बयान करता हूँ। नहीं, वो फिर ऐसा मामला है कि उसको एक तारीख दे दी गई, जब अगली तारीख पर बुलाया गया तो उस लड़के का बाप पेश हो गया। उसने कहा जी ये तो असल में मेरी दौलत तबाह कर बैठा है और इसने अब अपने दोस्त के साथ मिलकर कहा है कि जाओ मेरे ऊपर दावा करो, जब मैं जहाँ कह दूंगा जी हाँ मैंने तो देने हैं पैसे, और मैं वो कहेंगे लाओ पैसे, मैं कहूँगा मेरे पास पैसे हैं इन, तो जेल में डाल देंगे मुझे, और जब जेल में डालेंगे तो फिर मेरी माँ जो है मेरे बाप से लड़ेगी और फिर मेरा बाप जो है जो उसके पास दौलत तो उसने संभाली हुई है अब वो खर्च करेगा। ये वाक्य मैंने आपको बताया, ये तुर्क रुकमिया में है। अच्छा, मैंने आपको ये बताना है कि इमाम बुखारी, ये जो कहा जाता है ना कि इमाम बुखारी जब उनवान बांधते हैं तो कभी भी वो उनवान जो है वो नहीं होता जो पेश ना आया हो, क्योंकि अगर पेश ना आया हो तो वो तो मफरूज़ा होगा और मफरूज़ा जो है वो अहले राय का अंदाज़ है, अहले हदीस का ये अंदाज़ ही नहीं है। तो इसलिए इमाम बुखारी को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर वक्त जो बुनियादें हैं ना अहले हदीस की वो सामने, अगर उनको सामने रखेंगे तो आपको बिल्कुल बुखारी का जो तरीक़ेकार है ना वो समझ आएगा, और अगर वो ना सामने होंगी तो आप उलझ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, आप आगे चलिए। इमाम बुखारी इससे असल में सवाल के, अच्छा सवाल की दो सूरतें हैं, या तो सवाल होता है अमलन कोई वाक्य ऐसा पेश आ जाता है, और अगर अमलन ये सूरत हाल हो कि उलमा में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसका जवाब भी जो है वो आलिम को देना पड़ता है ना। तो इस सूरत में अगर वो सूरत ऐसी हो ना कि इख्तलाफ हो और किसी का मौकिफ हो तो फिर इमाम बुखारी जो है उसका उनवान बांधते हैं, और अगर किसी का मौकिफ ना हो फिर इमाम बुखारी मफरूज़े पर जो है वो बात नहीं करते। तो इसलिए इमाम बुखारी ने जितने भी बाब बांधे हैं ये सारे के सारे वो हैं जिन पर ख़ास तौर पर जो अहलुर राय का जो मौकिफ है ना वो जो है वो पेश करते हैं। और बाज़ लोगों की राय क्या है कि एक आदमी जो है ना भेजा जाए, आपको एक काम के सिलसिले में चार आदमी क्यों भेजे, अच्छा एक काफ़ी नहीं था, चलिए शरी तौर पर तो काफ़ी है, नहीं गवाह तो वहाँ के वैसे भी बड़े मौजूद थे, आपने मुझे कल ही बताया था कि माशाल्लाह जब आप पहली दफ़ा गए हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपका तमाशा देखने के लिए मौजूद थी। माशाल्लाह, तो मैं आपको असल में इमाम बुखारी का जो तरीक़ेकार है ना, मैंने इसी बार बार आपको कहा है कि उसूल बयान किए हैं इमाम शाफ़ी ने, अगर जो उन्होंने भी उनको अमली शक्ल दी है, वो मफरूज़े नहीं हैं, वो तमाम वो हैं जो पेश आंदा मसाइल हैं, चूँकि वो भी अहले हदीस वक्त पर फिक्र के हैं और इमाम बुखारी भी अहले हदीस वक्त पर फिक्र के नुमाइंदा हैं, और चूँकि इधर आप बड़े नुमाइंदे हैं इसलिए इनके यहाँ बातें आपको वाजे मिलेंगी। तो अब अगला बाब ये है कि बाब तर्जमा तिल हुक्काम वहल यजूज व तर्जमान वाहिद, जी नहीं, मतलब ये है कि जो हुक्काम हैं क्या उनका कोई तर्जमा करने वाला हो सकता है। मकसद यह है कि एक ज़ुबान हाकिम नहीं समझता तो कोई दूसरा आदमी जो है वो तर्जमान बनकर, अब इसमें क्या बात है, अब सारा मामला ये तर्जमान के हाथ में है, उसके अंदर एक वाक़या मौजूद है। वाक़या ये है कि दो वज़ीर थे किसी हाकिम के और दोनों की आपस में लगती थी, तो एक आदमी को जो है वो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि
कि इसको कत्ल कर दो। उसने जो है वो जब देखा कि मुझे कत्ल का हुक्म हो गया तो उसने कहा मैं अपनी भड़ास तो निकाल लूँ। उसने जो है वो जो गालियाँ वो निकाल सकता था उसने निकाल ली, लेकिन उसकी ज़ुबान वो नहीं थी जो बादशाह समझे। अब उसने जो है वो गालियाँ निकालनी शुरू कर दी तो बादशाह ने पूछा अपने वज़ीरों से, ख़ास तौर पर एक जो वज़ीर था ना वो ज़रा शरीफ था, जो दूसरा उसका मुखालिफ था वो तो दुश्मनी मोल लेता था ना हर वक्त, तो जो अच्छा वज़ीर था ना उसने बादशाह ने पूछा कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा जी आपकी तारीफ़ें कर रहा है कि आप तो बड़े मेहरबान हैं, आप तो रहीम और करीम हैं। अच्छा वो दूसरा, आज मुझे मौका मिला है, आज मैं इसको जो है बादशाह के पास दलील करूँगा। उसने कहा बादशाह को जैसे भी खिताब की है आरिजा, वो तो आपको गालियाँ निकाल रहा है और ये कहता है आपकी तारीफ़ें कर रहा है। अच्छा बादशाह चूँकि बादशाह फिर भी समझदार होता है, उस बादशाह ने कहा देखो बात सुनो, बात यह है कि बात तुम्हारी सच्ची है, बात उसकी झूठी है, लेकिन उसका झूठ तेरे सच से बेहतर है। तू एक आदमी को मरवाने के लिए जो है वो सच बोल रहा है, वो एक आदमी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, ये झूठ सच से बेहतर। तो मैंने आपको ये वाकया इसलिए सुनाया है, शुरू तो बात यहां से हुई थी कि सलमान से पहले जो था ना वो अब्दुल्ला था, और अब्दुल्ला सुदैरी माँ से नहीं है, सलमान हो गया, फहद हो गया, नाइफ हो गया, सुल्तान हो गया, इसी तरह जो फहद भी, नाइफ भी, और इससे पहले खालिद भी, ये सारे के सारे सगे भाई हैं, और इनका एक भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज़, अब वो वजीर नाइब वजीर दाखिला नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि तकरीबन 40-50 साल वो नायब वज़ीर दाखिला रहा है, तो नायब वही काम करता है जो असल काम करता है। तो मैंने आपको ये बताना है, अब चूंकि बात तारीखी है जो मेरी मालूमात हैं, सलमान जो है मरीज़ है और उसको मर्द असाबी है। असाबी अमराज जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो देखने में नज़र नहीं आते, लेकिन आदमी जो है वो काम अंजाम देने के काबिल नहीं होता। ऐसा हुआ कि सलमान, ये लोग जब बीमार होते हैं जाते तो अमेरिका ही है ना, कि इनको पता है कि वहाँ डॉक्टर, बड़े बड़े माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, तो सलमान वहाँ ज़ेर इलाज था अमेरिका में। तो ये जो था ना अब्दुल्ला, मैंने आपको बताया कि ये सतीला था, तो अब वलीयत जो था वो सलमान था, तो उसने ये सोचा कि अमेरिका का जो अस्पताल है ना उससे मैं एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ कि ये आदमी जो है ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है। अब्दुल्ला ने ये चाहा कि अस्पताल थे ये इसके बारे में, सलमान के बारे में ले ले कि ये हुकूमत के काबिल नहीं, मतलब है जब ये आ जाएगा डॉक्टरों की राय तो मैं कहूँगा कि ठीक है इसको मैं बरियाद नहीं बनाता, ख़त्म। लेकिन बात ये होती है कि पता होता है आपस में कि क्या हो रहा है, सलमान को किसी ने बता दिया, भाई पूरे अस्पताल में कोई बताने वाला हो सकता है ना, उसने बता दिया कि ये सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। उसको तकलीफ़ तो असाबी थी, और असाबी तकलीफ़ों से आप भी वाकिफ़ हैं और मैं ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। तो सूरत हाल ये है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो जब लिया जा रहा था, सलमान ने क्या काम किया कि वहाँ से जो है वो जहाज लिया और आ गया सऊदी अरब। जब सऊदी अरब आ गया तो अब्दुल्ला का एक जो चीफ सेक्रेटरी था ना वो बड़ा मशहूर रहा है उसका, बल्कि उसकी बरादरी के नाम पर उसको सारे हुक्म वो जारी करता था, क्योंकि अब्दुल्ला खुद बीमार रहता था, तो वो सारे अहकाम जारी करता था, और आम लोग भी कहते थे कि ये आदमी जो है ना ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। उसने जो है वो उसको आते ही कहा, मेरे ख्याल में खैर सर्टिफिकेट लेने की कोशिश थी या जो भी सूरत हाल थी, सलमान आया उस दफ्तर में, अब्दुल्ला के दफ्तर में, चूंकि वो वरियत था, उसने आते ही जो है वो
उनको धमकी दी और कहा, मकसद यह है कि धमकी देने से सारी बात खुल गई और उसने फौरन जो है वलीयत के तौर पर नायब वज़ीर आज़म, क्योंकि वज़ीर आज़म तो होता है ना खुद बादशाह, नायब वज़ीर आज़म उसके इख्तियारात वो इस्तेमाल करता है वलीयत, उसने फौरन अपने नायब के इख्तियारात इस्तेमाल किए और करके जो है वो सफाया कर दिया। तो इस लेकिन वैसे उसने नायब की हैसियत से, खलीफा की हैसियत से इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। अगर वो करता मनिस्ताजरा शय कबला वान ही ऊके बब हरमान ही, वो महरूम हो जाता। तो इसलिए जब अब्दुल्ला फौत हुआ है तो आपको ये भी बताऊं कि जब हाकिम फौत हो जाता है तो उसकी मैयत की मौजूदगी में आमतौर पर जो है वो खलीफा जो है वो हलफ उठा लेता है, इसलिए कि ऐसा वक्फा अगर दरमियान में आ जाए ना जब कोई खलीफा ना हो तो उस वक्त कोई आदमी जो है वो हरकत कर सकता है। अब आप देखिए ना अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा जो है, जो ट्रंप का है, वो पोमियो है या क्या उसका नाम है, हैं चलिए जो भी उसका नाम है, उस वो तो क्योंकि अभी 2 महीने हैं ना जी। ये असल में इंतकाल इख्तदार होना है जनवरी में। इन्होंने क्या काम किया है जो बाइडन ने, कि उसने जो है वो अपना वज़ीर ख़ारजा जो है उसका ऐलान कर दिया है, हालांकि अभी तो हुकूमत उसको मिली नहीं है। ये कल परसों के अखबार की खबर है ये, कि उसने जो है वो अपना वज़ीर ख़ारजा किस लिए ऐलान किया है, कि वज़ीर ख़ारजा का राज जो है वो वज़ीर ख़ारजा करे। एक वज़ीर ख़ारजा वो है हाँ जी जिसने अपना काम कर लिया है और एक जो है वो इंतज़ार में है। अब माशाल्लाह आप समझ लें हाँ जी, तो ये सूरत हाल होती है जो इंतज़ार में होता है उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। या तो मकसद असल में ये है कि यहाँ इमाम बुखारी जो भी इस वक्त बाब बांध रहे हैं उससे मकसूद जो है वो यही है कि एक आदमी भी ये काम कर सकता है। चूंकि अहल राय में ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं एक आदमी काम नहीं कर सकता, 2 आदमी होने चाहिए कम से कम। तो इमाम बुखारी ने रद्द करने के लिए, मैंने आपको बताया कि इमाम बुखारी या तो बाब बांधने के जो वाक़ियाती सूरत हाल, लेकिन अगर इल्मी तौर पर सूरत हाल जो है बिगाड़ दी गई हो तो इमाम बुखारी उसका भी रद्द करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यह सूरत भी हो सकती है। तो बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो इल्मी होते हैं और इमाम बुखारी उसको रद्द की बुनियाद क्या होती है कि शरीयत यूँ नहीं है, ये यूँ है। सही, अब ये भी आप पढ़ लीजिए, और कहा कि एक तर्जुमान जो है वो हो सकता, ये लफ्ज़ सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि वजाहत हो जाए कि हुकाम का तर्जुमान, मैंने असल में तर्जुमान के सिलसिले में आपको शेख सादी का वाक्य सुनाया है, और दूसरी बात मैंने आपको ये भी सुनाई है कि अब्दुल्ला की जो कारगुजारी जो कर रहा था किस तरह सलमान ने उसको नाकाम किया है। सज अब وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرانه وأقراته كتبهم إذا كتبوا إليه। अब देखिए यहाँ तर्जुमान साबित हो रहा है एक आदमी, खारजा बिन जैद बिन साबित कहते हैं, है तो मुअल्लक ना, ये असल में तर्जमतुल बाप की ही वजाहत है, और ये रवायत करते हैं अपने बाप जैद बिन साबित से। जैद बिन साबित तो मारूफ है आपको, जो कमेटी का हेड बना था बाद में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम यहूद की किताब जो है उसका इल्म हासिल करो। यहूद की किताब तो आप जानते हैं ना कि अरबी में नहीं, तो इन्होंने इब्रानी ज़ुबान जो है 14 दिन में इब्रानी ज़ुबान सीख ली थी ज़ैद बिन साबित ने। असल में फिर बातें जो हैं वो बाद बुज़ुर्गों की याद आ जाती हैं, जो आदमी
इलम संजीदा होते हैं ना, उनकी सूरत हाल और होती है। ज़ैद बिन साबित ने 14 दिन के अंदर जो है वो, हमारे वाली साहब ने हदीस जो पढ़ी है वो अपने बड़े भाई से पढ़ी है, आफिस अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी से, अदब वगैरह और चीज़ें जो हैं वो उन्होंने दीगर उस्तादों से पढ़ी हैं, मतलब ये है कि दिल्ली आगरा अलीगढ़ वगैरह में, लेकिन ये है कि हदीस अपने भाई से पढ़ी है, इसलिए कि अपने भाई के बारे में उनका बहुत ज़्यादा इत्माद था अकीदे के बारे में। बल्कि अपनी शदीद बीमारी में हमें कहते थे कि मेरे भाई का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान ये है कि उसने मुझे अकीदा बताया है, और उनकी एक किताब का कभी कभी हवाला भी देते दराए तफसीरी का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वालिद साहब ये कहते हैं कि मैं आम तौर पर, अब आज तो रिवाज नहीं रहा माशाल्लाह, आज तो ये भी पता नहीं होता कि हमने सबक कहाँ से पढ़ना है, हाँ उस्ताद को बताना पड़ता है कि जी आज सबक यहाँ से शुरू होता है। लेकिन उस ज़माने में रवाज ये नहीं था, उस ज़माने में रवाज ये था कि पहले तलबा सारे का सारा सबक जो है उसको समझने की कोशिश करते, जो बात समझ ना आती फिर उस्ताद से जो जब सुनाया जाता तो उस वक्त पूछते। तो हमारे वालिद साहब कहते हैं कि मैंने नसाई जो है वो 14 दिन में पढ़ी है आफिसुल्ला साहब से, पूरी नसाई, और मैंने तिरमिज़ी जो है वो 22 दिन में पढ़ी है, यानी वालिद साहब कहते थे। और मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि बुखारी के 6 सपारे उन्होंने हिफ्ज किए थे जिस तरह कुरान हिफ्ज होता है, और वो इसी तरह मंत्र पढ़ा करते थे जिस तरह के कुरान की मंत्र होती है। तो ये जो लोग मेहनत करते हैं और उनकी बुखारी के बारे में जो है वो हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दस रोपड़ी जो है जब बुखारी पढ़ाते थे तो वो जब मुताला करते ना रात को तो कहते हैं मैं इतना मुताला करता था कि सुबह तहज्जुद पढ़ने वाले आ जाते थे और मैं अभी जाकर मुताला कर रहा होता था। तो इसलिए हाफ सारी चीज़ें मैं हाशिए पर लिख देता था, ये ख़ास तौर पर जो ग्रामर है और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना मुख्तसर सी मैं हाशिए पर लिख देता था। तो हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह जब बाद में बुखारी पढ़ाते तो हमारे वालिद साहब ने जिस किताब पर बुखारी पढ़ी थी ना उस किताब को सामने रखते। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि शागिर्द भी ऐसे थे उस्ताद भी ऐसे थे। चलिए जी, अब यहाँ ज़ैद बिन साबित ने 14 दिन के अंदर इब्रानी ज़ुबान सीखी है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सूरत हाल ये है कि लोग जो ज़ुबान बोलते हैं ना, शागिर्द जो है वो उसने अगर ना बात माननी हो कहता मुझे तो समझ ही नहीं आई, ये आप गलत समझे हैं, ये बात भी जो है बड़ी आसान थी आप गलत समझे हैं। हालांकि एक ही ज़ुबान जो बयान कर रहा है और दूसरा भी जो सुनने वाला है वो भी आलिम है, तो आलिम को कहना तुम गलत समझे हो इसका मतलब ये है कि भाई कोई तुमने कौन सी गुरुमुखी बोली है कि आलिम को समझ नहीं आएगी। अगर यही मसला पैदा हो जाए कि तर्जमान ही गलती कर रहा है फिर क्या इतबार है, तर्जमान को पहले देख लो कि तर्जमान कौन है फिर उसके बाद उस पर इत्माद करो। और हमारी अदालतों में तर्जमानी आम चलती है, हमारे पाकिस्तानी उलमा उमूमन सऊदी अरब में कुवैत वगैरह में जाकर जो अदालतों में तर्जमान बन जाते हैं और भारी तनख्वाहें लेते हैं। चलिए जी, और हत्ता कतब तो यहाँ तक कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो यहूद की किताबें थी ना उनको लिख दिया। ये किताबों का लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि तौरात जो है वो एक किताब नहीं है जी, नहीं यहाँ किताबें मुराद हैं, वो किताबें से मुराद असल में यह कि तौरात के अंदर कई किताबें शामिल हैं, असल में तौरात जो है वो सारी एक मरतबा नहीं उतरी। आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हैं माशाल्लाह, आपने आगे देखा है, जज़ाकुमुल्लाह। चलिए जी, यहाँ तक के मकसद असल में यहाँ ये है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ख़त लिखता जो उनके ख़त थे, यानी जो अल्लाह के नबी उनको भेजते आज जो उनको अल्लाह के नबी भेजते,
और फिर मैं ये है कि जो उनके खत आते तो उसको आपको पढ़कर सुनाता, ठीक है ना, ये हुआ। अच्छा, अब उमर जो है वो उमर बिन खत्ताब की बात आती है, ये तो खैर हदीस मुअल्लक है ना। वह इंदहू अली व अब्दुर्रहमान व उस्मान वकाला उमर अच्छा जी, ये उमर से मुराद तो उमर बिन खत्ताब ही हैं कि उमर ने ये कहा, जबकि उनके पास अली भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे और उस्मान भी थे। ये कब कहा? असल में बात यह है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हो गए थे ना, तो आपको पता है कि उनको दूध दिया गया, तो वो जो दूध गर्म गर्म दिया गया वो दूध जो है उनकी आंतों से निकल गया, तो उस वक़्त उनके पास इसका कोई इलाज नहीं था, तो उन्हें ख्याल हो गया बल्कि यकीन हो गया कि अपना बच्चों का नहीं, तो फिर उन्होंने जो है वो कमेटी मुकर्र की है। तो ये कमेटी के अंदर आने वाले नाम हैं कि आप उमर के पास उस वक्त अली भी थे, अब्दुर्रहमान भी थे और उस्मान भी थे। अल्लाह सर जी, यहाँ माजा तकूल व हाजही, सर जी वैसे फौरी तौर पर कोई गलत मैं बात ना कह दूँ, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। वैसे ये वाकया वही है जो छः आदमियों को मुकर्रर करने का है, उसके बारे में आप हदीस पढ़ें, मुमकिन है कि इस वाकया के सिलसिले में जो है वो हद्दसना अबुल यमान अखबरना शुएब अन ज़ुहरी अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहू अन्ना अब्बास सुफियान इब्न हरबिन अखबरहू अन्ना हिरक़ला अरसला इलैह फ़ी रकबिन मिन क़ुरैश ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائر هذا فان كذبني فكذبوه فذكر الحديث فقال للترجمان قل له ان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين। اب یہ ایک دوسری مثال لے آئے ہیں ابو سفیان کی، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے جو ہے یہ خبر دی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے، عبداللہ بن عباس، تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات چیت ہوئی ہے تو عبداللہ بن عباس تو اس وقت ابھی چھوٹے تھے، جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں مختلف حکام کو جو ہے وہ خط لکھے ہیں، تو اس وقت ہرقل نے جو ہے وہ کہا تھا کہ پتہ کرو یہاں کوئی اس علاقے کا آدمی آیا ہوا ہے، تو یہ ابو سفیان جو تھا نا اس وقت وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی آ گئے اور ہرقل نے کہا کہ ایسا کرو کہ ابو سفیان ان کا سربراہ تھا، تو کہا کہ میں سوالات اس سے کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی پیچھے میرے ساتھی بٹھا دیے، اور کہا کہ اگر یہ کوئی بات صحیح نہ کہے تو تم نے اس کو درست کرنا ہے، تو انہیں بتانا ہے کہ بھئی یہ بات درست، اس کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہوا۔ تو ابو سفیان بن حرب نے عبداللہ بن عباس کو خبر دی ہے، تو اب یہ مرسل سے ابھی نہ رہی نا، کیونکہ خبر دینے والا جو ہے وہ اسی کا اپنا واقعہ ہے، اس نے عبداللہ بن عباس کو جو ہے وہ خبر دے دی ہے کہ ہرقل نے اس کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا، اور وہ اس وقت ایک رقب کہتے ہیں جو سواروں جو ایک ہوتا ہے نا، ایک ٹولہ جو سواریوں پر مشتمل ہوتا ہے، راکب کی، اصل میں راکب کی جمع ہے رقب جی، تو یہ ہے کہ
कुरैश का जो एक टोला है ना जो सवार होकर आया था, चूँकि इलाका दूर का था ना इसलिए ये सवारियों पर आए हैं, पैदल ही आए, तो उनकी तरफ पैगाम भेजा। अच्छा, फिर उसके बाद बात मुख्तसर कर दी है कि अबू सुफियान और दूसरे लोग भी आ गए। सुम्मा काला ले तर्जुमान ही, फिर जो है वो तर्जुमान से कहा, अपने तर्जुमान से क्या कहा, कुल्लहुम, इन्हें ये कह दो, इन्नी साइल हाजा, कि मैं इस अबू सुफियान से कुछ सवालात करने वाला हूँ। फ़िन कज़बनी फ़कज़बू हो, अगर ये कहीं झूठ बोले ना तर्जमे में, गलत करे, तो तुमने इसको जुठाना है, तुमने कहना कि ये तर्जमा यूँ नहीं है, यूँ है। असल में बादशाह की एक हैबत होती है, वहाँ लोग अगर झूठ बोले ना तो फिर सारों पर ही इतमार उठ जाता है, तो इसलिए इतमाद किया जाता है। फ़कर हदीसा, तो अब यह है जो इब्ने अब्बास ने पूरी बात जो है वो जिक्र की है, और उसके बाद क्या है, फ़काला लितर्जुमान, और फिर जो है वो अबू सुफियान ने, नहीं ये हिरकल ने कहा जी, कुल्लहू, उसे कहो, इन काना मा तक़ूलु हक्कन, अगर जो कुछ तू कह रहा है, सवालात जो किया ना उसका जवाब मिल गया, तो वो सारे सवालात और जवाब जिक्र नहीं किए, कहा कि अगर जो तू कह रहा है वो सच है, तो फसा यम ले को मौजिया कदम या हाथ इन्हें, ये शख्स जो है जिसका ख़त आया है ये मेरे कदमों की जो जगह है इसका वो बन जाएगा बादशाह, इसका बादशाह वो बनेगा। मतलब है कि ये आदमी जो है वो सच्चा है, और वो सवाल जवाब में आपको पता है जा, वो सारे जो सवालात हैं वो आपके सामने आ गए, तारीखी में, तारीख में वो सवालात मौजूद हैं। तो ये कहा कि फिर ये मेरे इलाके का हुक्मरान ये बन जाएगा, और ये पूरा भी हुआ, वो तो नहीं बने अल्लाह के रसूल, लेकिन यह कि हज़रत उमर के ज़माना में ये इलाका फतह हो गया था। अच्छा जी, तो जी यहाँ भी असल में तो साबित उन्होंने ये करना है कि तर्जमान भी एक हो सकता है, और एक तर्जमान की तर्जमानी जो है वो काफ़ी है। ये असल में ख़ुद इमाम बुखारी ने वकाल अबाज़ उन्नास, इससे ऊपर ज़रा है, वकाल अबाज़ उन्नास, बाज़ उन्नास ये कहते हैं कि लाबुद्दा लिल हाकिम मिन मुतर्जमैन, हाकिम के लिए दो तर्जमानों से चारा नहीं है, तर्जमान कम अज़ कम दो होने चाहिए। हमारे एक बुज़ुर्ग, मैं उनके इसी बुज़ुर्ग कहता हूँ करके, हाफिज़ुल्लाह साहब के वो भी शागिरद थे, मैं आपको गाहे बगाहे उनका जिक्र भी कर बैठा हूँ, सरगोदा में जिन्होंने हाफिज साहब का फतवा जो है वो मुरतब किया है, मौलाना सिद्दीक साहब, उन्होंने जो है वो एक मसले में दबाव महसूस किया, तो उस मसले के अंदर उन्होंने एक नई राय इख्तियार कर दी। दबाव ये था कि औरत अकेली गवाह नहीं बन सकती, कुरान मजीद में मौजूद है ना कि अगर दो मर्द ना हो, हाँ जी, एक मर्द और एक औरत, हाँ जी, क्या आयत है, फ़इल्लम तकूना रजुलैन फ़रजुलुम वम्रअतान, हाँ, एक मर्द और दो औरतें। तो उन्होंने जो है वो मौलवी सिद्दीक साहब ने एक मजमून लिखा, उस मजमून में ये था कि असल में गवाही तो एक औरत देती है, गवाही तो एक औरत देती है, दूसरी सिर्फ तस्दीक करती है, यानी ज़रूरी नहीं है अगर दोनों बोले, दूसरी उस वक्त बोलेगी जब बात गलत होगी। उन्होंने इससे ये इस्तेमाल किया कि गवाह एक ही औरत है, वैसे है जी नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला उस मजमून के बारे में जो है वो इब्ने कसीर ने बिल्कुल और बात कही है, उसने ये कहा है इब्ने कसीर ने कि असल में ये दो औरतों की गवाही ये एक गवाही है, अगर एक औरत खड़ी होगी तो वो गवाही आधी होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ कहे हैं,
वहां जाए ना मारा ही तुम्हें नाक साथ अकल मदीन, उसके अंदर अल्लाह के रसूल ने क्या अल्फाज कहे हैं कि तुम ये नहीं देखते कि औरत की गवाही आदि होती है। तो इस हदीस को लेकर जो है मुहद्दिस ने उसका जो है वो जवाब दिया है। जवाब क्या है कि औरत अगर अकेली होगी तो गवाही आदि होगी, लेकिन अगर दो औरतें होंगी बोले खा एक ही फिर गवाही पूरी होगी। दूसरी तस्दीक तो कर रही है, इसीलिए कद वजीब बद दावत हुकुमा, तुम दोनों की जो दुआ है कबूल हो गई। हालांकि दुआ करने वाले सिर्फ मूसा थे और हारून सिर्फ आमीन कहते थे। तो इसलिए जब तक आप अहादीस को मिलाएंगे नहीं, कुरान की आयात को मिलाएंगे नहीं, मतलब कभी सही नहीं निकलेगा। ये है असल में आल हदीस का तरीका। और माशाल्लाह हमारे आल और राय जो है ना वो कहते हैं कोई गिरी पड़ी हदीस में मिल जाए, बस ये हमारी हदीस है। हमारे एक साथी थे बेचारे, अब तो खैर अल्लाह ताला मुझसे दुआएं ले रहा है, तो उनका नाम था, बड़े वैसे मजबूत आदमी थे माशाल्लाह, सारे मस्जिद कुदस के इंतजाम खाने पीने के वही करते थे। तो अल्लाह अकबर, वो हमारे साथ बुखारी पढ़ते थे लेकिन ज़रा तेज़ तरार नहीं थे इलम में। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब से कहते हैं बेचारे हदीसा ही पहले ज़ईफ़ ज़ईफ़ लह के आते तो उसी फिर उन्होंने माफ़ नहीं कर दे, कमजोर कमजोर हदीसा लह के आते तो उन्होंने हदीसा ही नहीं मानते तो उसी फिर भी माफ़ नहीं कर दे। चलो जी माशाल्लाह अल्लाह अकबर। लो जी अब ये तो आ गया ना, आपको मैंने बताया था कि अहलुर राय बाज़ुन्नास से मुराद हैं, और कहा कि हाकिम के लिए दो तर्जमान होने चाहिए, ये उनका रद्द किया है। बाबु मुहासबत और इमाम उम्मा लहू, कि इमाम जो है वो अपने जो मतहत होते हैं उनका मुहासबा करें। हद्दसना मोहम्मद हद्दसना अब्दा तो हद्दसना इशाम इब्न उरवता अन अबी है अन अबी हुमैद ने साइदी ये अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तामला इब्न लुतबियत अला सदकात बनी सुलेमान फलब्बा जा इलन नबी व हासबहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खरा क़ाल हाज़ल्लज़ी लकुम व हाज़िही हदीयतुन उहदीतु ली उहदियतली फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हल्ला जलसता फ़ी बैत अबी का व बैत उम्मे का हत्ता तातिया का हदीयतों का इन कुंता सादिकन सुम्मा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतब अन्नास व हमीद अल्लाह वासना अलैह सुम्मा क़ाल अम्मा बाद फ़इन्नी अस्तामिलु रिजालन मिनकुम अला उमूरिन मिम्मा बल्ला अनिल्लाह फ़याति अहदुकुम फ़यक़ूलु हाज़ा लकुम व हाज़िही हदीयतुन उहदियत ली फ़हल्ला जलसा फ़ी बैत अबीह व बैत उम्मिही हत्ता तातियहु हदीयतुहु। अच्छा, इन काना सादिकन फवल्लाह ला याखुदु अहदुकुम मिनहा शैयन क़ाला इशामुन बग़ैर हक़िही इल्ला जा अल्लाह यहमिलुहु यौमल क़ियामत अला अला फला आरिफन्ना फला आरिफन्ना मा जा अल्लाह अच्छा मा जा अल्लाह रजुलुम बे बईरिन लहू रुआतुन औ बकरतिन लहू खुवारुन औ शातिन तैयारो सुम्मा रफा यदैहे अतार ए तो बयाज़ इबतैहे अला हल बल्लग तो। मेरी ज़रा नज़र जो है ना आपको पता है कि आज इन दिनों मोतिया की वजह से। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो हदीस इन्होंने बयान की है कि इमाम जो है बड़ा हाकिम जो है वो अपने जो मातहत हाकिम होते हैं उनका हिसाब किताब दे। तो रवायत जो है ये अबू हुमैद साइदी से है, और अबू हुमैद साइदी के बारे में मैं आपको एक बात ये बता चुका हूँ कि मेरे शागिर्द अब्दुस्समद रफ़ीकी अल्लाह के पास चले गए, उन्होंने अपनी कुनियत अबू हुमैद साइदी, क्योंकि अबू हुमैद साइदी से बहुत मसाइल साबित है नमाज के अंदर जलसा इस तरह इनसे साबित है। अच्छा जी, चलिए कि
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ کو جو ہے وہ عامل بنایا, جو بنی سلیم کے صدقات تھے ان کو وہاں بھیجا کہ جاؤ بنی سلیم کے صدقات لے کر آؤ. فلما جاء الی النبی, جب اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ نے اس کا حساب و کتاب کیا تو کہتا ہے کیا حاذا الذی لکم, یہ تو آپ کا ہے اور یہ جو ہے یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حلا جلستا فی بیت ابیک, تو اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا, یہ بلکہ اس کو یہ کہا کہ تو اپنے گھر باپ کے گھر میں اگر بیٹھا رہتا اور یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا تو ایسا کیوں نہ, پھر کیا تیرے پاس یہ تحفے آتے, ایسا کیوں نہ ہوا. تو ان کنتا صادقاً, اگر تو سچا ہے تو کہ یہ تحفے تجھے دیے گئے ہیں, تو مطلب یہ تجھے نہیں دیے گئے, اصل میں یہ تجھے رشوت ہے. تو ثم قام رسول اللہ, پھر اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے جی, اور آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ فخاطب الناس, لوگوں کو آپ نے خطاب کیا. اچھا جی, اگر کوئی آدمی رشوت لے تو جو حکومت ہے وہ رشوت کا مال ضبط کر کے خود استعمال کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی؟ اللہ کے رسول نے یہاں کیا ہے, یہاں استعمال ہوا کہ نہیں؟ بیت المال میں گیا ہے, حالانکہ وہ رشوت کا مال تھا. اچھا جی, اللہ کے رسول کھڑے ہوئے. اچھا یہ بھی ہے آپ کی, دیکھیے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے, آپ عموماً وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح تھی, جیسے کھلی کتاب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے نا. آپ عموماً جو معاملے پیش آتے ہیں ان کی وضاحت کرتے, اور وہ ایک آدمی کے لیے اگر وضاحت ہو تو پھر ان کا طریقہ کار جو ہے, میں اپنے طور پر اس کو یوں استعمال کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی میں نے مثال دینی ہو تو میں عام طور پر اس شخص کا نام نہیں لیتا, سوائے اس کے کہ وہ نام پہلے ہی معروف ہو تو اس کا تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ہے کہ عام طور پر علماء کا میں نام نہیں لیتا تاکہ جو ہے وہ چغلی نہ بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی کو بات کہتے تو ایک شخص کا نام لے کر جو ہے آپ تردید نہیں کرتے تھے, بلکہ عموماً ما بال و اقوامین, لوگوں کا کیا معاملہ ہے, مطلب یہ کہ عام بات کرتے, لیکن یہ کہ وہ جو آدمی اس میں بیٹھا ہوتا نا اس کو پتہ لگ جاتا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے طریقے ہیں خطاب کے. اچھا جی, فواللہ ہے اللہ کی قسم لا یاخذ احدکم منہا شیئن, اللہ کی قسم کوئی آدمی تم میں سے اس سے کوئی چیز نہ لے اس میں سے. قال ہشام بغیر حق ہی, کوئی ایسی چیز نہ لے جبکہ اس کا حق, یعنی اس کا حق نہ ہو, یعنی مطلب اگر اس کا حق ہو اسی کے اندر تو وہ اپنا حق لے سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی ہو جس کا حق اس کے ساتھ چلا گیا ہو رشوت میں, تو وہ آدمی جو ہے وہ اپنا حق لے سکتا ہے. یہ ایک نیا اصول ہے, اس کو بولتے ہیں فتح ذرائع. فتح ذرائع اس کو بولتے ہیں کہ اگر انسان کو جو ہے وہ حق کسی نے مار دیا ہو اور اس کا حق جو ہے وہ انسان کسی طرح چھین لے یا اسے ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ لے لے, تو اس کا جرم نہیں ہوگا. اگر لینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر عدالتوں میں جا کے تو ثابت کرنا پڑے گا نا, اگر اس کا حق اپنا ہو تو لے سکتا ہے, اس کو بولتے ہیں فتح ذرائع. اصل میں یہ اصول فقہ کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے فتح ذرائع کا. اس میں تصویر کا جو مسئلہ ہے نا بالکل وہ اس کے اندر آ رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ
आपका तरीके कार यह है कि आप गलत काम करने वालों के बिलमुकाबिल आपका जो हक है आप इस्तेमाल करें और वही हक इस्तेमाल करके जो है वो उनका जवाब पैदा करें। हमारे लिए तस्वीर इसलिए जायज़ हो गई है कि जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर जिस तरह ये अब मोबाइल और कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ें सारी जो इलेक्ट्रॉनिक हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही हैं, और सूरत हाल ये है कि अगर आप जो है ना एक ख़त लिखकर भेजकर तब्दील करना चाहते हैं ना, तो आपका ख़त तो जो आप एक महीना के अंदर जो है वो तैयार करेंगे ना, वो एक सेकंड के अंदर जो है वो आपको जवाब मिल जाता है। आपको पता है आप ज़रा SMS करें, ये ख़ासतौर पर व्हाट्सएप पर आप पैगाम भेजें, आपको उसी में का जवाब आ जाएगा कि हाँ मैंने वसूल कर लिया। तो अब ये बताइए कि अगर तस्वीर हराम है, वाकई हराम है, लेकिन फतेह जराए की वजह से जायज़ हो गई, और इसके लिए जो फतेह जराए का उसूल है ना, ये यहाँ काम दे रहा है कि जो इस्लाम के मुखालिफ है, बल्कि मैं तो आपको पता है ना, मेरा तो जहन ये है कि ये सारी यजूज मजूज ही हैं, रूसी चाइनी और ये सारे याफस की औलाद जो हैं ये सब यजूज मजूज हैं। तो यजूज मजूज जो हैं अगर वो कोई चीज़ जो है वो आपसे छीन कर ले जाएं तो क्या आप उनसे वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ना, माशाल्लाह। इसी से है कि रिश्वत जो है अगर उसका हक मारा जा रहा हो तो वो रिश्वत दे सकता है। सवाल पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया जो शरीयत के खिलाफ था और इन ज़राए से और इन उसूलों से को सामने रख के आपने किया हो कि असलन वो खिलाफ हो शरीयत जी, लेकिन ऐसे उसूलों को सामने रख के आपने वो कर दिया? मैं आपको बताऊँ कि जिसको आप कह रहे हैं शरीयत के खिलाफ हो वो शरीयत के खिलाफ होता ही नहीं, शरीयत के अंदर उसका हल मौजूद होता है। मैंने जो फतेह जराए की बात कही है, देखिए एक फतेह जराए, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि फतेह जराए हो या सद्दे जराए, ये तमाम के तमाम जो उसूल है ना, ये अहलुल हदीस के नज़दीक ये किताब सुन्नत का हिस्सा है। ये अहलुल राय पर तो इतराज़ पड़ सकता है जो किताब सुन्नत से बाहर लाते हैं। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ, अभी आपको मिसाल देता हूँ कि आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक आदमी के बारे में लोगों ने बताया कि किसी ने जो है वो, वैसे वाकया तो खालिद बिन वलीद का तो आपने पढ़ा है कि खालिद बिन वलीद ने जिन लोगों ने कहा था सबाना सबाना उनको कत्ल कर दिया था, लेकिन उसामा का वाकया मैं इसी बयान करना चाहता हूँ कि उसमें एक और बात है, उसामा ने भी बिल्कुल यही मामला किया था, वो भी सपसरार था और उसने ये मामला किया था, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी की बात है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसने ये हरकत की थी तुमने उससे जो है उसकी सिपहसालारी छीन क्यों नहीं ली, उसको हटाकर तुमने किसी और को जो है वो सिपहसालार को नहीं बनाया? अच्छा हाँ, अब ये बताइए कि ये हक छीना कि नहीं छीना? हाँ जी, हदीस में है, आप हदीस मेरे पास ले आइए, मैं आपको दिखा दूंगा, ये लफ्ज़ वहाँ मौजूद है। मैंने आप एक मिसाल नहीं, 20 मिसालें हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो है उसका किसी ने माल जो है वो मारा हुआ है, अब वो आदमी जो है वो इत्तेफाक से कि उसकी गिरवी जो है उसके हाथ में आ जाती है, शरीयत क्या कहती है? हैं जी, गिरवी मार सकता है ना, जब्त कर ले, माशाल्लाह। चलिए जी, अब तो माशाल्लाह जी आप भी मुफ्ती बन गए हैं। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि शरीयत के अंदर इमाम बुखारी जैसे इज्तिहादात अगर आप करेंगे तो आपको बड़ी मिसालें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसलिए आप बहुत मिसालें हैं, हत्ता के लोग यह कहते हैं, बल्कि कुरान मजीद की आयत यह कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ने की बुनियाद ही इसको बनाया है कि किसी का हक मार दे। कुरान मजीद में है ना, इन्नम सबीलो अल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास व यबगूना फिल अर्ध बिग़ैर हक़। ये मोमिनों की सिफात हैं। क्या मतलब है? जंग का की जो आपको मौका मिलता है ना, इन्नम सबीलो से मुराद ये जंग का मौका है।
आप जंग उनके खिलाफ कर सकते हैं जिन्होंने या तो जुल्म किया हो या सरकशी की हो। बागी से आपको चीज छीन लेना, वो भी जो है वो आप छीन सकते हैं बागी से। इसीलिए इमाम अबू हनीफा ने इल्ला मस्तुर तुम आगे क्या लफ्ज़ है इल्ला, हाँ जी नहीं नहीं मईतन औदम मसफूहन औला मखिन जेरिन फ़ैन रिचसन औ फिसकन फमनिस्तुर्रा गैर बागिन, फमनिस्तुर्रा गैर बागिन। गैर बागिन का तर्जमा यह किया है कि जो मजबूर हो और वो बागी ना हो, और दूसरा इसका तर्जमा यह है कि वो जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना खाए, आदिन हद से ना बढ़े, मतलब जिससे उसकी जान बच जाए बस। ये नहीं कि आप सूअर खा रहे हैं पेट भर के खाएं, जाके लगा लगा के रोस्ट कर करके जैसे याजूज माजूज खाती है। तो आपको जो है वो बुखारी पढ़ने के साथ कम से कम जो है माशाल्लाह ये जो बारीक बारीक इस्तेमात और इतिहादात है ना वो माशाल्लाह किए जा सकते हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद तज्मा पूरा कर लें, आपने फिर खुतबा दिया, अल्लाह की तारीफ़ की और अल्लाह की खूबियाँ बयान की। सुम्मा काला अम्मा बाद फ़इन्नी अस्तामिर रिजाल मिनकुम, बाद लोगों को मैं तो आमिल बनाता हूँ बाद चीज़ों पर, उन चीज़ों से जिसका इख्तियार अल्लाह ने मुझे दिया है जी। फ़याति यहादुकुम, फिर मेरे पास एक आदमी आता है और कहता है कि ये तो आपकी चीज़ है और ये मेरा तोहफ़ा है जो मुझे दिया गया है। फ़हल्ला जरा सा फी बैत अभी है, वो अपने बाप के घर क्यों नहीं बैठा रहा, माँ के घर क्यों नहीं बैठा रहा, यहाँ तक कि उसका तोहफ़ा उसे वहाँ आ जाता। इन काना सादिकन, अगर वो सच्चा है कि ये वाकई तोहफ़ा उसका है। फ़वल्ला है ला याख़ुदु अहदुकुम मिन्हा शैयन, अल्लाह की कसम कोई आदमी इसमें से कुछ भी ना ले। काला इशामुन बग़ैर हक़, इशाम ने कहा कि अपने हक के बगैर ना ले। ये मैंने यहाँ आपको बताया फ़तेह ज़राइक का मसला। तो इल्ला जा अल्लाह हो यह मिलो यौमुल क़ियामा, जा अल्लाह यहाँ तक कि वो अल्लाह के पास आएगा और उसको क़्यामत के दिन उस चीज़ ने उसको उठाया होगा, और उसकी शक्ल क्या होगी कि अला कान खोल कर सुन लो, यानी खबरदार, फला आर फन्ना मा जा अल्लाह रजलुन, मैं ज़रूर जो है वो इस चीज़ को पहचानूंगा। क्या मतलब, मैं पहचानूंगा और मैं उसकी खबर भी दूंगा। यानी मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल जो क़्यामत के दिन पहचानेंगे, अल्लाह के रसूल बोलेंगे भी। तो इसलिए यहाँ नून सकीला है ना, नून सकीला मुस्तकबिल के लिए होता है। तो इसलिए मैंने तज्मा किया कि मैं क़्यामत के दिन ज़रूर इसकी खबर दूंगा। क्या जी, मा जा अल्लाह, जो वो नहीं, किस बात की खबर दूंगा कि जो चीज़ कोई आदमी जो है वो अल्लाह के पास लाएगा, बईरिन बेबईर यानी मतलब ये कि मैं पहचान करवाऊंगा, यानी यहाँ बे को मुतद्दी हो गया ना, मैं पहचान करवाऊंगा जो ऊँट लेकर आएगा और उसकी लहूर रुआउन, उस ऊँट की जो है वो ऊँट की आवाज़ को कहते हैं रुआ, और औ बकरत लहा खुआर, या गाय लाऊंगा या गाय उसके ऊपर सवार होगी, मतलब जो उसने मारा है या लिया है वो ऊँट हो या गाय हो, ये सारे तोहफे हो सकते हैं, तो उसकी आवाज़ जो है वो गाय की होगी। औ शातिन तायर, या वो बकरी की होगी जो मैमा कर रही है। सुम्मा रफा ये दहे, फिर आपने दोनों हाथ उठाए, हत्ता रई तो ब्याजा इब तय है, यहाँ तक कि मैंने आपके बगलों की जो सफ़ेदी है वो देखी, और आपने फरमाया अला हल बल्लग, तो क्या मैंने जो है वो आपको पहुँचा दिया है। अला के माने होते हैं खबरदार, खबरदार मैंने ये बात आपको पहुँचा दी है। तो ये अब आप में मेरे ख्याल में आज जो मैंने मसला थोड़ा सा आपको जिक्र कर दिया ना, मैं असल में जिक्र इसलिए नहीं करता था कि आपके लिए भी सदे ज़राए और जो ये फ़तेह ज़राए के जो उसूल हैं वो आपने अभी ताज़ा नहीं आपको, तो मैंने इसलिए जो है ये चीज़ें जिक्र नहीं की थी कि ताकि जब कोई ऐसी बात आएगी। इसलिए फ़ोटो के बारे में बिल्कुल ये मसला वाज़े है, जो मेरी
जो सूझ बूझ है उसके मुताबिक कि ये जो फोटो घर में रखी जाती है ना मेज़ों पर, ये एहतराम की शक्ल है और ये हराम है, और इस घर में फरिश्ता रहमत का दाखिल नहीं होता। और इसी तरह अगर कुत्ता जो है वो किसी कमरे में मौजूद हो तो उस कुत्ते को भी जो है वो निकालना पड़ेगा। वो वाकया मैं आपको याद करता हूँ, जब जिब्राइल जो है वो बाहर खड़े थे लेकिन अंदर नहीं आ रहे थे। तो इसलिए तस्वीर को हलाल बिल्कुल नहीं मैं कहता। इसलिए बाज़ लोग ये समझते हैं कि मदनी साहब ने हलाल कर दी है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल नहीं है। मैंने इसके लिए जो है वो जो मेरा खिताब है वो तस्वीर के मसले पर मुहद्दिस का एक नंबर निकला था और उसमें हमारे खिताबात मौजूद हैं। मैंने ये कहा था कि ये चीज़ जो है ये सदे ज़राए और फ़तेह ज़राए के बाब से है, ये इल्लत नहीं है। मैंने असल में क्यास में जो इल्लत होती है उसका और इसका फ़र्क किया था कि सदे ज़राए और चीज़ है और क्यास की इल्लत और चीज़ है। इन दोनों का मैंने फ़र्क बयान किया था, चूँकि आम लोग इसका फ़र्क नहीं जानते तो इसलिए ये मसला थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको फौरन नहीं बताया। इल्लत जो होती है वो हमेशा कायम रहती है, हमेशा कायम रहती है। अच्छा। और सदे ज़राए जो होती है वो एक आर्दी चीज़ होती है, जब तक वो रुकावट हो उस वक्त तक जो आपके लिए वो जायज़ हो जाएगा, वरना आपके लिए जो है वो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर एक गैर महरम औरत का जो है वो ऑपरेशन करता है, हत्ता कि अस्पतालों में तो आम तौर पर डिलीवरी जो है वो भी डॉक्टर करवाते हैं, बहुत कम है जहाँ इसका जो है वो किसी को मौका मिलता है। अब ये बताइए कि उनके लिए क्या चीज़ है, ये हलाल क्यों हुआ? ये फतेह ज़राए है कि उसका हक है कि वो इलाज करे और उसका मरीज का भी हक है कि उसका इलाज किया जाए, तो उस वक्त जो है वो फतेह ज़राए की शक्ल है कि डॉक्टर को जो है वो ये रास्ता खोल दिया है। ये बड़े मसाइल हैं, मैं इसके लिए अगर मसाइल जमे करने लगूँ तो हज़ारों के मसाइल पैदा हो जाएं, लेकिन असल बात यह है कि ये सारे मसाइल समझने के लिए इमाम बुखारी के इज्तिहाद की तरह मशक जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है हम इमाम बुखारी के इज्तिहादात ही पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए जी, माशाल्लाह। हाँ जी, उमरुद्दीन साहब आपको कुछ समझ आने लग गई है कि नहीं? माशाल्लाह। चलिए जी, माशाल्लाह। अच्छा, तुम भी कैसे हो? मैं तो खाम खाम साला थी, पता कर रहा था तो इसके मैं खेला अमरी के साथ मौजूद हूँ। नहीं, बैठ जाओ।